देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के पहले सप्ताह में ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आज भोपाल में आयोजित किया गया है। इस समारोह में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित 14 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, जिसकी सूची भी विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। ये सम्मान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सभी विभागों को लिखकर दे दिया गया है कि ई ऑफिस की व्यवस्था को आज से हर हाल में लागू कर दिया जाए। कई विभागों को मुख्यमंत्री के सचिव एसपी गोयल की ओर से पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही कई जिलों का परफॉर्मेंस ई ऑफिस में बहुत खराब है, जिस पर एसपी गोयल ने नाराजगी जाहिर की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार के 41 शिक्षकों की राजकीय सम्मान से सम्मानित करेंगे। बता दें कि बिहार के 41 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक अवार्ड 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया है। इनमें से एक भी शिक्षक अल्पसंख्यक वर्ग से नहीं है। महिला टीचर की संख्या 12 है। नालंदा से सिर्फ एक शिक्षक सम्मान पाएंगे, वहीं भागलपुर से दो दो शिक्षक हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। सीएम केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। राजस्थान में भजनलाल सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज प्रदेश के 55,800 बच्चों को टैबलेट बांटेंगे। बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वीसी के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों सहित विभिन्न अधिकारियों की बैठक ली थी तथा शिक्षक दिवस की तैयारी को लेकर समीक्षा की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पेंशनर्स एसोसिएशन तहसील शाखा सचिव यू आर साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 1 बजे बैठक व शिक्षक दिवस का आयोजन गायत्री मंदिर परिसर सभागार में किया जाएगा, जिसमें 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले समस्त पेंशनरों को सम्मानित किया जाएगा। कोबरा कांड मामले में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव से आज ईडी पूछताछ करेगी। सोमवार को एल्विश यादव को ईडी लखनऊ ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, मगर उन्होंने बयान दर्ज करने के लिए आने में असमर्थता जताते हुए 3 दिन का समय मांगा है। इसको लेकर ईडी ने एल्विश यादव को 5 सितंबर का समय दिया है। आज लखनऊ के इको गार्डन में धरना देंगे शिक्षा मित्र। बता दें कि ब्लॉक संसाधन केंद्र डिलिया बस्ती सदर के सभागार में शिक्षा मित्रों की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष राजेश चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 5 सितंबर यानी आज से लखनऊ में प्रस्तावित इको गार्डन में धरने की सफलता के लिए रणनीति बनाई गई है। गुजरात में हालिया हुई मूसलाधार बारिश के बाद मौसम विभाग ने आज राज्य में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर के लगभग पूरे सप्ताह में कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन सन 1839 में चीन में पहला अफीम युद्ध शुरू हुआ था। आज ही के दिन सन 1888 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। आज के दिन 1918 में टाटा समूह को खड़ा करने वाले रतन जी टाटा का निधन हुआ था। आज के दिन 1997 में विश्व प्रसिद्ध समाज सेविका मदर टेरेसा का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 2009 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 10 कंपनियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगाया था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।